हम सपने जरूर देखते हैं, पर अक्सर हमारे सपनों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। कभी कभी हमारे सपनों के पहिए एक जगह आकर रुक जाते हैं। क्या क्या नहीं करते हम उन सपनों को फिर से पटरी पर लाने के लिए। आखिर में हम हालात से समझौता कर लेते हैं और हमारे सपने बस सपने ही बन के रह जाते हैं। मेरे घर में मेरे माँ बाप और बीवी बच्चे हैं। मेरे पिताजी ड्राइवर की नौकरी करते थे। उन्होंने ही मुझे गाड़ी चलाना सिखाया। करीब 10 साल पहले पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी और घर के हालात को देखते हुए मैंने ड्राइवरी का काम शुरू कर दिया। अपनी गाड़ी ना होने के कारण सब खर्चे निकालने के बाद बस 2-3 हज़ार मैं घर पर दे पाता था, जिससे पूरे घर का खर्चा और पिताजी का इलाज चलता था। बहुत मुश्किल हो रहा था घर चलाना। मैं सुबह उठकर काम पर जाता था और देर रात को वापस आता था। वक्त बीतता गया, मैंने शादी कर ली, बच्चे हुए, परिवार बढ़ा। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए और वो स्कूल जाने लगे। धीरे धीरे आमदनी तो बढ़ रही थी, पर खर्चे भी बढ़ रहे थे। बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, रोज की जरूरतें और उसके ऊपर गाड़ी का किराया, जो आधे से ज्यादा कमाई ले जाता था। एक दिन मेरी मुलाकात रिलायंस के राकेश जी से हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं खुद की गाड़ी खरीद लूं, तो मेरी कमाई दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। सुनकर तो मुझे अच्छा लगा, पर इतना सारा पैसा मैं कहां से लाता। राकेश जी ने बताया, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से उन्नति लोन लेकर मैं खुद की गाड़ी आसानी से खरीद सकता हूं, और इसके लिए मुझे कोई ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब अगर आप ड्राइव कर रहे हैं किसी की गाड़ी, पगार पाएंगे। कितना मिलेगा? 10-12 हज़ार रुपए। इसमें से 8.5-9 हज़ार रुपए आपने घर के खर्चे वर्चे के लिए निकाल लिया, कितना बचा? 3-3.5 हज़ार रुपए। और अगर आपकी अपनी गाड़ी होती है तो आपका खर्चा और बचत कैसे होगा वो देखिए। दिन की कमाई कितनी होगी आपकी उसमें? 2500 रुपए। उसमें से 800 रुपए आपने निकाल लिए कि पेट्रोल डीजल का खर्चा, गाड़ी की मेंटेनेंस, तो भी कुछ 1700 रुपए आपके दिन के बचते हैं। अब 1700 रुपए अगर आपके दिन की कमाई हुई तो पूरे महीने का कितना हुआ? अब मान लीजिए कि आपने 25 दिन ही गाड़ी चलाई, तो भी 42,500 रुपए ये आपकी नेट कमाई हुई। तो अब देखते हैं कि इस 42,500 में से आपका खर्चा और बचत क्या होता है। 15,000 रुपया आप इसमें से सबसे पहले निकाल लीजिए कि जिसमें गाड़ी की EMI, मोटर इंश्योरेंस, जो एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह जिसमें आपका भी बीमा होता है। 10,000 रुपए इसमें से और निकाल दीजिए कि आपके घर का खर्चा, स्कूल वगैरह की फीस, किराया वगैरह 10,000 रुपए। अब आप बचा रहे हैं 17,500 रुपए हर महीना। इसमें से 500 रुपये हर महीना निवेश करके आप अपने परिवार का एक रिलायंस के जरिए मेडिकल इंश्योरेंस करा लें, ताकि अगर परिवार में कोई बीमार हुआ तो वो जो है बीमा उसको कवर कर लेगा। अच्छा सर, इस दौरान अगर मुझे कुछ हो गया तो? बढ़िया सवाल, और अच्छी बात है कि आप ये सोच भी रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा कि 100 रुपये मासिक आप निवेश करके रिलायंस से अपना लोन सिक्योर करवा सकते हैं, कि अगर अकस्मात मृत्यु हो जाए तो लोन चुकाने का बोझ आपके परिवार पे नहीं जाएगा। अच्छा तो अब चाय पिलाइए। ऐसे एक बात बताऊं, हाँ? ये जो पैसे बचते हैं ना, हाँ? इसको मैं फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता हूँ। हाँ। चाहो तो आप भी कर लो। उससे ये होगा कि जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होंगे, आपकी जमा पूंजी भी बढ़ती जाएगी। हाँ। चाय पियो। आज मेरी खुद की गाड़ी है,
जिसे मैं अपनी मर्जी से चला सकता हूँ। मेरी आमदनी भी 3 गुना बढ़ गई है। घर के हालात भी काफी सुधर चुके हैं। मैं अब पिताजी का इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवा रहा हूँ और मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे हैं। मैंने एक पक्का मकान भी बनवा लिया है। मेरा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान तो बड़ा ही, अब लोग भी मुझे इज्जत से बुलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मेरे सब सपने अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। यह सब रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के उन्नति लोन की वजह से मुमकिन हो पाया है। मेरे इस सफर में रफ्तार भरने के लिए शुक्रिया। सर, किराने का दुकान था, दुकान दुकान पे माल सप्लाई करता था, सकल से कर रहे थे। और जैसे समझो शादी ब्याह में जो भी लगता है सामान, वो हम सप्लाई करते हैं और खुद भी काम करते हैं। एक छोटा सा वर्कशॉप है, वर्कशॉप में मैं काम करता था। इस काम में ज्यादा इनकम नहीं था, मैंने फिर बाइक से लिया, लेकिन बार बार पूरा माल नहीं जा रहा था उससे। जो काम मेरा 4 घंटे का था उसको पूरा दिन चला जाता था। एक घर की खर्चा चल नहीं पा रही है, इसकी वजह से मैंने कमर्शियल व्हीकल डालने के लिए सोचा था। और बड़ी गाड़ी लेना है तो लोन की जरूरत थी। किसी ने तो बताया कि बाबा आप रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में जाइए, आपको उधर से लोन के लिए सहायता हो सकती। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत कम पेपर के साथ मेरे को उन्नति लोन दिलाया। मुझे लोन की जल्दी जरूरत थी, इन्होंने मेरी बात को समझा, उन्होंने बड़ी आसानी से उन्नति लोन सैंक्शन करा दिया। मेरी प्रॉब्लम उन्होंने समझी और एक दोस्त की तरह सहायता करके और बहुत ही कम पेपर वर्क में मुझे उन्होंने उन्नति लोन दिलाया। लोन पास होते ही सर मेरी गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। गाड़ी आने के बाद मेरी कमाई बढ़ी है, इसके लिए मैं गांव जाके कॉल टैक्सी का बिजनेस चालू किया। उन्नति लोन लेने की वजह से मेरा धंधे में फायदा हो गया, मेरी जिंदगी पहले से बेहतर होगी। इसके लिए मैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। थैंक यू। तो अब सपने सजाना छोड़ो और उनको सच करो। हर आदमी को सपने देखने का हक है। हम हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, आपके अधूरे सपने हम करेंगे पूरे। रिलायंस।